अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। घमासान मचा हुआ, दिग्विजय, ज्योतिराज सिंधिया, कई और नेता जो लाइन में है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सोनिया जी को जो है अध्यक्ष पद की घोषणा कर देना चाहिए। कांग्रेस में सभी उम्मीदवार हैं क्योंकि सभी कार्य करने वाले सक्षम हैं और जो भी बनेगा, जो भी सोनिया जी, जिनको भी जो कांग्रेस के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया जी, वो जिनको भी निश्चित करेंगे अध्यक्ष पद के लिए, मुझे लगता है सारे लोग उनका समर्थन करेंगे। कांग्रेस में ये सब नहीं है, पहले जो भी बोलते रहें, कोई भी कुछ करता रहे, सभी जगह होता है। जब बनने के बाद मुझे लगता नहीं कोई किसी प्रकार का घमासान है, पर हाँ जरूर है कि शीघ्र बना देना चाहिए जिससे मीडियाबाजी या नाना प्रकार की बातें आती हैं वो नहीं होंगी। जिस तरह से पिछले दिनों भी एक आया घटनाक्रम सामने, दिग्विजय सिंह ने सारे मंत्रियों को एक पत्र लिख दिया, उसके बाद जो वन मंत्री है उमंग सिंगार, उनका कहना था कि जो पत्र लिखा है वो यदि ऐसे ही बोल देते तो काम हो जाता, पीछे से तो दिग्विजय सिंह ही सरकार चला रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार तो कमलनाथ की सरकार है, कमलनाथ बुद्धिमान है और कमलनाथ पहले भी जो है राष्ट्रीय जो है वो मंत्री रहे हुए हैं और केंद्र में मंत्री रहे तो उन्होंने तो काम किया है, ऐसा नहीं कि नए हैं, वो अनुभव हैं, अनुभव ही नहीं अनुभवशील है वो, और उनको अनुभव का सरकार चलाने का, ठीक है। अब ये छोटी छोटी बातें हो जाती है एक दूसरे, उसमें मुझे लगता है कि बातचीत भले होती रहती है पर सभी में, सरकार में और संगठन में एक दूसरे से तो प्रेम है, भले कुछ बोलते रहें एक अलग बात है, एक अतिशोक्ति में कभी कुछ बोल दिया जाता है, पर मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं। जिस तरह से दिग्विजय सिंह को दिल्ली दरबार से हकेल दिया गया, दिल्ली से हटा के उनको मध्य प्रदेश में छोड़ दिया गया, तो क्या उनकी जो वजन कम हुआ दिग्विजय सिंह का, उसका असर उनकी जो मध्य प्रदेश के जो नेता है लगातार उनके खिलाफ खड़े हो रहे, चाहे वो मंत्रियों की बात करें या अन्य लोगों की बात करें? नहीं, मुझे लगता नहीं, सभी विधायक हों चाहे मंत्री हों, सब सम्मान करते हैं दिग्विजय सिंह जी, और कोई अव्यवस्थित नहीं होती है, कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है कि कोई बोले। अब छोटी छोटी घटना दुर्घटना होती रहती है, इतनी बड़ी सरकार है चला रहे हैं और बड़ा कुनमा है, बड़ा परिवार है, तो कुछ चुटपुट चलता रहता है, मगर ऐसा नहीं है, सब एकजुट हैं। परंतु रहा सवाल के केंद्र से मध्य प्रदेश में कर दिया, तो ऐसा नहीं है, वो योग्य हैं और उनको जहां उपयोग समझते हैं, मुझे लगता है दिग्विजय सिंह की कार्य की शैली जो है बहुत अच्छी है, उनका कोई ऐसा जो भी काम करते हैं वो सोच समझ के और अच्छा काम करते हैं। अभी हाल ही में एक दिग्विजय सिंह का बयान भी आया है, तो बीजेपी और आरएसएस जो आईएसआई से पैसा आता है उसके बारे में, देखो उसके बारे में टिप्पणी सी नहीं करूँगा कि वो राजनीतिक मामला है और क्या मामला है उसके लिए मैंने ज़्यादा उस पर पता मैंने किया भी नहीं और ना ज़्यादा सुना है, मैं बाहर था इसलिए उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। अमित शाह ने भी एक बयान दिया है कि राहुल गांधी जो पाकिस्तान को लेकर जिस तरह की बातें करते हैं या जो सूचनाएँ देती है उससे पाकिस्तान के लोग फ़ायदा उठाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, राष्ट्रहित में पूरा देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पूरा राष्ट्रहित में हार, हम साधु संत समाज भी, लाखों संत भी आज देश के साथ हैं, समाज के साथ हैं और पाकिस्तान के विरोध में हैं, पाकिस्तान के विरोध में सारे लोग हैं, पूरे भारत की जनता है। हम एक दूसरे को टिप्पणी करके वो उनके साथ है, वो उनके साथ है, वो उनके साथ है, ये गलत है। ये किसी को भी, कोई भी नेताओं को भी चाहिए कम से कम दूसरे को इस टाइप की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सब चाहते हैं कि पाकिस्तान का विरोध करके और जो हमारे भारत का झंडा ऊंचा रहे और झंडा फहराए हमारे भारत का तिरंगा, वो सब चाहते हैं, पर लोग टीका टिप्पणी ना करें। मैं दूसरी पार्टियों से भी कहना चाहूँगा कि इस समय अब राष्ट्रहित में जो भी काम करें सब राष्ट्रहित में करें, और जो नहीं है उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि सब एक मिलजुल करके और पाकिस्तान का विरोध करें। बीजेपी का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी करके पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ कि बीजेपी का मामला कुछ अलग है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, मैं उनकी बात तो नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो दूसरे पे टिप्पणी करते हैं और खुद अपने तरफ उंगली नहीं उठाते हैं, ये आप भी क्या करते हैं वो सबको मालूम है। पिछले दिनों प्रज्ञा ठाकुर का भी एक विवादित बयान आया था, उसके बाद से उन पर नकेल कस दी थी पार्टी ने, आपने भी काफ़ी उग्र उनका विरोध करा था, अब आने वाले समय में क्या प्रधानमंत्री से मांग करेंगे आप? देखिएगा अभी एक बार जब उनकी पार्टी ने, संगठन ने और प्रधानमंत्री ने क्षमा कर दिया है तो हम तो साधु संत हैं, हमने एक बार भी छोड़ दिया कि चलिए हमें मालूम है कि वो पुनः फिर टिप्पणी करेंगे,
कोई ना कोई टिप्पणी करके उनको बिना टिप्पणी करे रहेगा नहीं, इसलिए देखते हैं वो क्या बात करते हैं। और यदि अविश्वास करते हैं तो हम लोग मीडिया के माध्यम से भी और हम लोग खुद जाकर के साधु संत और माननीय प्रधानमंत्री से उनकी बात रखेंगे, क्योंकि देश हित में, देश के विरोध में या जनता के विरोध में या किसी नेता के विरोध में गलत टिप्पणी करना अशोभनीय होता है, ठीक नहीं होता है और जिससे हानि होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वो दोबारा टिप्पणी ना करें। आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अब प्रज्ञा ठाकुर सांसद हैं, अब अपने जो लोकसभा है उनके लोगों का दर्द सुने, दर्द करें, दर्द जो भी उनको उनको जनता जनार्दन को उसका दूर करें और समय से काम करें, उन जनता की बात सुने, अन्यथा ये जनता फिर तुम्हें लेकिन आप पे ही उनने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे कि आप गए थे वहाँ पर, मतलब बातों ही बातों में उनका कहना था कि एक बाबा आए थे यहाँ पे, उनने हवन पूजन करा था, तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था आपकी आपके उस पर। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग तो किसी को मारने का, किसी को जीने का ऐसा नहीं करते, हम लोग तो परमात्मा भगवान का भजन करते हैं और साधना करते हैं, भजन और साधना ये करना हम लोग का, हम दूसरे के परमार्थ के लिए करते हैं, जनता जनार्दन के लिए करते हैं और अच्छे जीवन के, अच्छा जीवन लोगों को व्यतीत हो उसका काम करते हैं। पर ये जिस ढंग से उन्होंने गलत टिप्पणी करते हैं मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं। जिस क्या आप प्रज्ञा ठाकुर को जो बार बार वो इस तरह की बयानबाजी करती है उनको लेकर आप तो कुछ सद्बुद्धि या आपकी? नहीं मैं ऐसा नहीं है, मैं तो उनकी निंदा करता हूँ और उनकी जिस ढंग से वो गलत टिप्पणी करते हैं उस पर निंदा करता हूँ और ईश्वर से चाहता हूँ कि हे भगवान उनको अच्छी सद्बुद्धि दे जिससे किसी प्रकार का कोई जो है अशब्द ना बोल पाए वो और अनर्गल टिप्पणी ना करें। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनको नकेल कस दी गई उनकी पार्टी नहीं, तो मुझे लगता है अब करेंगे। उससे मेरा भी उनसे कहना है कि अब ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे गलत संदेश जाए, जिससे राष्ट्र हित की बजाय राष्ट्र के विरोध में कोई काम ऐसा ना करें जिससे जनता आपसे दुखी हो जाए और आपको निकाल के बाहर कर दें। जी बाबा, एक पहला सवाल तो ये, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर इतना घमासान मच रहा है, चाहे दिग्विजय की बात करें, ज्योतिराज सिंधिया की बात करें, लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है लेकिन अध्यक्ष पद की घोषणा अभी तक नहीं हो रही, क्या कहना चाहिए? देखिए ये बात तो जरूर है कि अध्यक्ष पद की घोषणा हो जाना चाहिए, समय से होने से ठीक होता है।